अफगान संकट के बीच ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, समिट की अध्यक्षता मेरा सौभाग्य। नमस्कार, मैं मोनाली पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 28। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 देशों के समूह ब्रिक्स ने पिछले 1.5 सालों में काफी उपलब्धियां प्राप्त की। आज यह समूह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रभावी आवाज बन चुका है और आज यह समूह विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रभावी आवाज बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात डिजिटल माध्यम से ब्रिक्स के सालाना शिखर सम्मेलन में कही। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार ये ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के संघ का एक शीर्षक है। ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं। पहला ब्राजील, दूसरा रूस, तीसरा भारत, चौथा चीन और पांचवा दक्षिण अफ्रीका। तो अब मैं बता दूं कि ब्रिक्स का नाम इन 5 देशों के अंग्रेजी शब्द के पहले अक्षरों से लेकर बनाया गया है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई। इसके कुल 5 सदस्य देश हैं। मैं आपको बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से पहले इसको ब्रिक के नाम से जाना जाता था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल करके इसे ब्रिक्स का नाम दिया गया। तो आइए जानते हैं कि ब्रिक्स का निर्माण किन किन उद्देश्यों के साथ किया गया। सबसे पहले राष्ट्र क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर ध्यान देना, दूसरा वैश्विक जीडीपी में योगदान करना और तीसरा विश्व व्यापार के हिस्सों में अहम भूमिका निभाना। तो आइए जानते हैं कि ब्रिक्स का निर्माण करने के बाद इन देशों को क्या क्या फायदे हुए। वर्ष 2019 तक 5 ब्रिक्स लगभग 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक अनुमान के अनुसार ये राष्ट्र संयुक्त विदेशी मुद्रा भंडार में 4 खरब अमेरिकी डॉलर का योगदान करते हैं। ब्रिक्स देशों के वैश्विक जीडीपी में 23% योगदान करता है तथा विश्व व्यापार के लगभग 18% हिस्से में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन 5 देशों की मुद्रा का नाम R से शुरू होता है। वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता करता है।